प्रियदर्श को हमने जाना था कि अनेक बाधाओं को पार करके हनुमान जी लंका को पहुंच जाते हैं। सूर्यास्त के समय जब चारों ओर अंधेरा छा गया, हनुमान जी चुपके से लंका के मुख्य द्वार पर पहुंचे। प्रवेश द्वार पर लंकिनी नामक एक भयंकर राक्षसी पहरेदारी कर रही थी। हनुमान जी को देखकर लंकिनी ने क्रोध होकर बड़े वेग से प्रहार किया। हनुमान जी ने भी अत्यंत कुपित होकर अपने बाहों से हाथ की मुट्ठी लंकिनी को एक मुक्का जमा दिया। लंकिनी उस प्रहार को सह न सकी, वो धरती पर गिर पड़ी। अपनी पराजय स्वीकार करते हुए कहने लगी, स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू किसी वानर से परास्त हो जाए तब यह समझ लेना कि राक्षसों का संहार निश्चित है। आप प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए लंकापुरी में प्रवेश कीजिए और जो जो कार्य करना चाहते हैं उसे पूर्ण कीजिए। लघुकाय हनुमान जी ने अत्यंत सावधानी पूर्वक मुख्य मार्ग से ही लंका में प्रवेश किया। उन्होंने लंका के राजमहल में प्रत्येक कक्ष में देवी सीता की खोज की, लेकिन सीता जी का कोई पता ना मिला। घूमते घूमते वे एक अत्यंत सुंदर अशोक वन में पहुँच गए। वहाँ की शीतल मंद सुगंधित वायु एवं सुवादु फलों को देखकर उन्हें विश्राम करने की इच्छा हुई। फिर अचानक उन्होंने एक वृक्ष के नीचे देखा कि एक महिला है बैठी हुई, जिसकी रखवाली भयानक राक्षसिया कर रही थी। वह महिला अत्यंत दुर्बल और दुखी दिखाई दे रही थी। उसके शरीर पर कोई आभूषण नहीं थे और कोई कपड़े भी नहीं थे। जो कपड़े थे वह मलिन थे। बार बार लंबी सांसें खींचते हुए वे निरंतर राम राम का जाप कर रही थी। उपवास के कारण वे अत्यंत दुर्बल हो गई थी, फिर भी उनके शरीर की कांति बनी हुई थी। जब हनुमान जी को यह निश्चय हो गया कि सीता जी ही हैं, वे प्रसन्न होकर सोचने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा एवं आशीर्वाद से मुझे सफलता मिलती है। मैं आपके पास वापस आकर आनंद पूर्वक यह समाचार सुनाऊंगा। उसी समय रावण ने वाटिका में प्रवेश किया। देवी सीता के पास आकर उसने कहा, सुंदरी, मुझे देखकर तुम्हें भय क्यों नहीं हो रहा है? मुझे स्वीकार करो, इस विशाल साम्राज्य की महारानी बन जाओ। राम ने विजय की आशा त्याग कर दी है और मुझे यह भी संदेह है कि वे जीवित हैं या नहीं। मानो तो क्या देवताओं में भी यहाँ प्रवेश करने का साहस नहीं। इसीलिए तुम मेरे पास रहकर मन चाहे वस्तुओं का भोग करो। इस पर सीता जी ने रावण का तिरस्कार करते हुए कहा, जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री राम से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। अगर तुमने मुझे राम को नहीं लौटाया तो तुम ब्रज की गड़गड़ाहट के समान श्री राम के धनुष की टंकार सुनोगे और अपने आंखों से राक्षस कुल का विनाश होते देखोगे। यदि तुम जीवित रहते हुए अपने साम्राज्य का पर दीर्घ काल तक शासन करना चाहते हो तो एक ही मार्ग है, मुझे मेरे स्वामी के पास लौटा दो। इस पर रावण क्रोधित होकर पागल होकर धरती पर दाहिना पैर पटकते हुए गर्जना करते हुए बोला, मैं तुम्हारे प्रति नम्र और शिष्ट व्यवहार करना चाहता, लेकिन तुम इस योग्य नहीं। मैं तुम्हें 2 महीने का मोहलत देता हूँ। इस अवधि में यदि तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें यमलोक को भेज दूंगा। रावण के जाते ही राक्षसियों ने सीता जी को घेर लिया और उन्हें रावण को स्वीकार करने के लंका वैभव का उपभोग करने का सलाह देने लगा। इस क्रूरता राक्षसियों से घिरी हुई सीता का शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगी। इन दुष्ट राक्षसियों के द्वारा सीता जी ने डराई हुई एक बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा ने उनसे कहा, मूर्ख राक्षसियों, सीता जी को सताओ मत। आज मैंने एक बड़ा भयंकर स्वप्न देखा जो राक्षसों के विनाश और श्री राम के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। त्रिजटा की बातों को सुनकर राक्षसियों ने भयभीत होकर सीता जी को अकेले छोड़ दिया। उसके आगे